हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग 40 to 45 मिनट के अंदर हम लोग इंडिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में इंटरनेशनल नेशनल आपके स्टेट के हर एक कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं। और ये 360 डिग्री करंट अफेयर है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी आपके न्यूज़पेपर में आता है वो आपके एग्जाम से रेलिवेंट होता है उसके बारे में भी, और अगर आपके कोई नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस है जो कि करते हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है 8:06 है जो कि हो चुके हैं और आज है 25th of May। तो 25th of May का दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आवाज जो है वो परफेक्ट आ रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है ये सारे एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना अच्छा करंट अफेयर कर सके, हर एक न्यूज को कवर कर सके ताकि आपके एग्जाम में किस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो अगर आप इंडिया में कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, अगर आपको करंट अफेयर करना है तो आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस सेशन को रेगुलर देखिए। हाँ, आप अपने रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हेडलाइंस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बनाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर भी रहते हैं, आधा घंटा देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे, आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और साथ में आज के कुछ सवाल हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। मैंने सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा था कल के दिन, वो पूछा था कि डिपकोविन किसके द्वारा डेवलप करी गई है। तो ये DRDO के द्वारा करी गई, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है NMMA ऐप है जो कि किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। नेक्स्ट है IMF ने प्रपोज किया है ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, कितने का किया है, ये 50 बिलियन होगा, 50 मिलियन नहीं है वैसे, कह रही है ज्यादा का ही है, काफी बड़ा प्लान था ये, तो 50 बिलियन के समवेयर है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, 50 मिलियन में कुछ नहीं होता, मतलब 50 बिलियन का प्लान था ये। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है 30+ एग्जाम में से, आप इंडिया में 30+ एग्जाम में से किसी की भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा घर बैठे पढ़ सकते हैं। चाहे आप कोई IIT का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई नीट का हो, कोई कैट हो, कोई गेट का हो, कोई आपका IES का हो, UPSC, SSC, बैंक, कोई भी आप एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस में जाइए, वहां पे प्लस में अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं आप अपना गोल सिलेक्ट करके। रेफरल कोड आपको BHU10 या BHU10 लगाना होगा, जिससे 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आपको SSC की प्रिपरेशन करनी है या डिफेंस या फिर PCS की, स्टेट पुलिस की, तो 1 जून से फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं कंप्लीट GK आपको पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक GK, एवरीथिंग। तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये बैच। और इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाएगी 450 रुपीज पर मंथ में, PDF टेस्ट, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन। ओके, तो SSC प्लस है जो कि आप ले सकते हैं यूजिंग BHU10। ओके, आज का कोट ऑफ द डे जो कि आकाश के द्वारा भेजा गया है, द रीजन फॉर माई सक्सेस इज आई फोकस्ड ऑन वेरी फ्यू थिंग्स, बिल गेट्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो कि बोली गई है, और बिल गेट्स के द्वारा मल्टीपल टाइम में जो कि बात को रिपीट किया गया है कि मेरे सक्सेस का कारण क्या है कि मैं बहुत ही कम चीजों के ऊपर फोकस करता हूं। एक बात आप भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो टाइम है वो भी लिमिटेड है, जो एनर्जी है वो भी लिमिटेड है। अब आप इसको मल्टी डायमेंशनल लगाइए या फिर कुछ चीजों के ऊपर लगाइए, आप खुद समझ सकते हैं कि कहां पे ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। कई बार जो है वो बच्चे इतने सारे एग्जाम के फॉर्म फिलअप करते हैं, जो चाहे वो एग्जाम देते रहते हैं, और कोशिश करते रहते हैं बस कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपका फोकस जो है वो सिंगल हैंडेडली किसी भी चीज के ऊपर नहीं होता है। गाइज, अपने फोकस जो है उसको सही डायरेक्शन में रखिए, आप जो भी चाहते हैं लाइफ के अंदर आप उसके ऊपर लगाइए, आप जो भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस लगाइए, आपके सक्सेस होने की, पेपर क्रैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप 10 जगह पे खड्डा खोदते हैं तो पानी नहीं निकलने की पॉसिबिलिटी है, एक जगह पे अगर ज्यादा देर तक खोदोगे तो ज्यादा जल्दी है कि आप नीचे से पानी है जो कि निकाल सको। तो सिंपल सा लॉजिक है, फोकस को सही डायरेक्शन में रखिए, अपनी जगह पे रखिए, और कुछ चीजों के ऊपर या मेजरली बहुत ही कम चीजों के ऊपर रखिए ताकि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जो कि चलते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा और बंगाल के अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, गाइस कोशिश करिएगा आज घर के अंदर रहिए 1-2 दिन के लिए, और सब लोगों का ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों को भी बोलिए कि अपने घर के अंदर है, क्योंकि आपको मालूम है
यहाँ पे तूफान है जो कि साइक्लोन है जो कि आज आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली गई है उड़ीसा के अंदर और बंगाल के अंदर। 10 लाख लोगों को सेफली जो है वो रिमूव कर दिया गया है सेफ लोकेशन के ऊपर। तो 26 मई यानी कि दोस्तों आज और कल दो दिन जो है 26 तारीख के दिन जो है वो कोस्ट से जो है ये क्रॉस होने वाला है। ओके ठीक है गाइस, यास इसका नाम है जैसे कि आप सभी को मालूम है, ओमान के द्वारा दिया गया। पहले तो ताऊजी आए हुए थे, ताऊ थे आपको मालूम है अपने वेस्टर्न वाले कोस्ट के ऊपर, गुजरात वाले कोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे यास आ गया, ओके ये अपने ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। तो दोनों जगह पे बैक टू बैक जो है दो साइक्लोन है जो कि हमें देखने को मिले हैं। चलिए होपफुली चीजें जो है वो बिल्कुल सही रहे, जितना गुजरात में डिस्ट्रक्शन हुआ है उतना ना हो। ओके ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। प्रशांत भूषण जी जब किसी मुद्दे में या किसी पेटिशन के अंदर होते हैं तो डिस्कस करना जरूरी होता है ना, बड़ा केस होता है वो हमेशा, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफी ज्यादा इसको कवरेज भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोवैक्सीन को लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 90% हमने पेपर वर्क जो है वो कर दिया है। तो WHO की जो लिस्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल में, उसमें कोवैक्सीन वाले को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा जल्दी। ठीक है, तो अगर आप में से कोई फॉरेन जाने की कोशिश कर रहा था और अगर उसने जो है कोवैक्सीन लगाई है तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फोटो है, इसके बारे में देखेंगे इसको। यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में बताया गया, ICU ऑक्यूपेंसी जो है वो सीरियस कोविड की कहानी है जो कि दिल्ली में बता रही है। यहाँ पे दोस्तों एक बिजनेसमैन थे, ओके उन्होंने क्या किया कि भाई एक फ्लाइट बुक करी और उसी के अंदर शादी कर डाली है ना, उसी में आप देख सकते हैं वरमाला हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो DGCA जो अपने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का है, उसने दोस्तों क्रू को जो है वो लतार लगाई और बोला है कि भाई कोई कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, ये किस तरीके से हो रहा है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया। दिल्ली पुलिस ने दोस्तों ट्विटर के ऑफिस के ऊपर जो है वो छापेमारी करी है। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, ट्विटर ने जो है वो गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, पॉलिटिकल पार्टी है BJP, उसके मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया था उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गई। हालांकि गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए, पार्टी और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्विटर के 2-3 ऑफिसर्स है दिल्ली के अंदर गुड़गांव में, उनके ऊपर पहुंच गई पुलिस। यहाँ पे लक्षद्वीप को लेकर बताया गया कुछ नए लैंड के रेगुलेशन को लेकर। तो हमारे लिए फ्रंट पेज पे अगर मैं बात करूं तो बस यही चीज है जो कि डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो, एक रेनबो कलर्ड फोटो आप देख सकते हैं सन के चारों तरफ, ये बेंगलुरु से ली गई है ना। ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जब लाइट इंटरैक्ट करती है, आइस क्रिस्टल जो होते हैं ना एटमोसफेयर के, जब उसके ऊपर लाइट इंटरैक्ट करती है तो इस तरीके का फिनोमिना, ठीक है, ये रेनबो और ये सब है जो कि देखने को मिलता है। चलिए तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर यहां पे जो है मैं आपको केस बता देता हूं, केस क्या था, प्रशांत भूषण जी जो है उन्होंने ये बोला कि माइग्रेंट लेबर जो है इतने सारे सेकंड वाले कोविड वेव में भी परेशान हुए, तो इनको फूड का जो रिक्वायरमेंट है इनका पूरा होना चाहिए, राशन इनको मिलते रहना चाहिए, और लॉकडाउन के अंदर जैसे लोग वापस जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे अगर उनको फूड की अवेलेबिलिटी करवा दी जाए तो, जो कि आपको मालूम है हर एक राज्य को करवाना चाहिए, ये वाला मुद्दा था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में केस चला गया क्योंकि लोग अपने घरों पे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है खाने की टेंशन है, अगर खाना मिल जाए तो लोग ना जाएं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहली बात तो देखो कि माइग्रेंट जो है वो घर पे जाने की उनकी प्रवृत्ति है, तो पहली बार में भी यही हुआ, दूसरी बार में भी यही हुआ। फिर उन्होंने ये बोला कि 2018 के अंदर हमने ऑलरेडी बोल दिया था सरकार को कि भाई पूरा का पूरा डेटाबेस है जो कि तैयार कर लिया जाए माइग्रेंट का, ताकि जो है उनको फैसिलिटी दी जा सके, लेकिन यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, कोई भी जो है डेटाबेस है, एब्सेंस ऑफ माइग्रेंट डेटाबेस होने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि हो गई है। जो प्रोविजन है फूड के लेबर के लिए है ना, वो वेट नहीं कर सकते, इसलिए वो घर की तरफ वापस से निकल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। कुल मिला के बोला गया कि भाई डेटाबेस तैयार करना जरूरी है, अदरवाइज जो है वो चीजें सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी, जैसे कि अभी भी नहीं हो पा रही है। 24 करोड़ लोग है जो कि BPL के अंदर चले गए हैं, तो बोला गया है कि भाई 24 करोड़ लोगों के खाने की सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रीम है, बहुत ज्यादा खराब है। चलिए ठीक है, तो यही मुद्दा था, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 10, यहां पे बात करेंगे ऑन साइट बुकिंग को लेकर। 18 प्लस लोगों को दोस्तों अभी तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा आपको मालूम है। अभी एक और इनिशिएटिव आया है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट वाली जगह पे जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन, वहां पे आप डायरेक्टली अपना आधार कार्ड लेके जाइए, 18 प्रूव करिए और वैक्सीन लगवा लीजिए, समझ गए। अब वहां पे कितनी भीड़ होगी नहीं होगी, वैक्सीन अवेलेबल होगी नहीं होगी, वो अलग कहानी है। तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन दोस्तों अपॉइंटमेंट COVID-19 के वैक्सीन में जो है 18 से 44 के जो एज ग्रुप है उनको, ठीक है, करने के लिए बोला गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का ये दोस्तों ये बयान है जो कि आया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर के लिए बोला गया है, ठीक है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करने को लेकर। चलिए
ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, है ना। चलिए तो देख लेना एक बार आपके आसपास कोई गवर्नमेंट वाली है तो कोई जगह। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11, यहां पे बात करेंगे दोस्तों वुहान की लैब को लेकर और यहां पे बात करेंगे साथ में बेलारूस को लेकर। तो दो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों किसको लेकर, चाइना को लेकर। इस कंट्री ने दोस्तों पूरा दुनिया में जीना आराम कर रखा है सबका। WHO को जो है वो अब तक कुछ भी इंफॉर्मेशन भी इतनी रेलिवेंट नहीं दिए। अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपको मालूम है देखो अमेरिका में है ना, या वर्ल्ड के जो वन ऑफ द टॉप 5 न्यूज़पेपर में जो आते हैं वो आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द गार्जियन, ये सारे के सारे दुनिया के सबसे बड़े जो है न्यूज़पेपर माने जाते हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज करी है संडे को, US की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया कि 3 रिसर्चर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ना WIV, वहां पे 3 ऐसे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, जो ऑलरेडी नवंबर के अंदर ही क्या हो गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे चाइना के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। चाइना ने जो पहली इंफॉर्मेशन दी है वो कब दी है, दिसंबर के टाइम पे, जो कि दुनिया को बताया है कि भाई इस प्रकार से एक वायरस है, कोविड वायरस, जो कि हमारे यहां पे देखने को मिला है। हालांकि जब चाइना से पूछा गया तो चाइना ने तो उसको डिनाई कर दिया। चाइना तो ये बोलता है कि ये तो हमारे यहां से शुरुआत ही नहीं हुई है इसकी, तो ठीक है ये तो कही थी आसपास के देश से, हमारे यहां पे आया था किसके माध्यम से, जो हमारे यहां पे इंपोर्ट करवाया गया था हमने, वाइल्ड लाइफ के जो ट्रेडिंग हुई है उसके फूड के शिपमेंट के साथ में जो है ये हमारे यहां पे आया है। तो ये तो खैर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां पे काफी इंफॉर्मेशन है जो कि इसके बारे में दी गई है। ठीक है गाइस, कुल मिला के बात यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद में WHO की जो मीटिंग है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और ज्यादा प्रोब यानी कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर बोला गया है। अब ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, ठीक है, कि ये कितनी इसके ऊपर काम होता है और क्या इसकी रियलिटी के ऊपर कोई पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अभी तक तो इसके ऊपर 100% कुछ भी नहीं कह सकते कि चाइना से पैदा हुआ है, लैब से पैदा हुआ है या फिर किसी दूसरे देश से आया है। लेकिन ज्यादातर एविडेंसेस दोस्तों यही बोलते हैं कि ये चाइना से ही यहाँ पे मिस्टेक है जो कि हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है बेलारूस को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है कल के दिन दोस्तों एक मुद्दा हुआ, मुद्दा क्या हुआ कि भाई मैं देख लो यहाँ पे, ये है ग्रीस और ग्रीस के पास में है लिथुआनिया, यहां से एक फ्लाइट जा रही थी, बीच में दोस्तों बेलारूस ने उसको धर लिया और उसको उतरवा लिया उसकी एयरफोर्स ने, है ना, जाने नहीं दिया उसको, पार करने नहीं दिया। ठीक है, अब पार नहीं करने दिया तो यूरोपियन यूनियन ने बोला पूरा का पूरा कि भाई आपने इस तरीके से जो है किसी भी फ्लाइट को आप कैसे रोक सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों बेलारूस की एयर स्पेस को बंद करने और बैन करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि इनकी जो बेलिविया नाम की EU कैरियर जो था ना इनका बेलिविया, उसको कोई भी जगह देने के लिए मना कर दिया गया है। अभी रिसेंटली एक रायनर करके जेटलाइनर था उसको लैंड करवा दिया गया था इनके कैपिटल के अंदर, मिंस्क के अंदर। ओके, मुद्दा एक्चुअली के अंदर क्या है, देखो यूरोपियन यूनियन और बेलारूस में बनती क्यों नहीं है, क्योंकि बेलारूस एक तरीके से एक ऐसा कंट्री है जो कि यूरोपियन साइडलाइन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलता है। एक तरफ यूरोपियन कंट्री जो कि लिबर्टी की बात कर, लिबर्टी के ऊपर चलते हैं, इक्वालिटी के ऊपर और फ्रीडम के ऊपर चलते हैं, उनके पूरे के पूरे प्रिंसिपल ही अलग ही दुनिया में चलते हैं। लेकिन बेलारूस की बात करें तो ये दोस्तों पूरे के पूरे रशिया के तौर पर ज्यादा, रशिया चाइना इनके लाइन के ऊपर ज्यादा चलता है। जैसे कि वहां पे अलेक्जेंडर जो कि वहां के लीडर है ना, बहुत सालों से मतलब यहाँ पे लीडर है, वो अपनी जगह छोड़ने को कभी तैयार ही नहीं है बंदा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए हैं सबके ऊपर दोस्तों क्रैकडाउन करता है। यहाँ पे इस फ्लाइट के अंदर एक इनका प्रोटेस्ट करने वाला बंदा था जर्नलिस्ट, उसको निकाल लिया गया, उसको फ्लाइट रोक के निकाल लिया, मतलब इन लोगों ने, मतलब इतने ज्यादा मतलब ये स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, समझ गए। ठीक है, यहां पे जितने भी मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको बैन कर लिया गया है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर करके इनके स्ट्रॉकमैन है जो कि सबसे ज्यादा इस तरीके के बैन करना, रिपोर्टर्स को कवरेज नहीं करना, अनऑथराइज मास इवेंट को रोक देना, ओके, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के ऊपर प्रेशर डालना, इस तरीके के काम कर रहा है। तो इनको उतार लिया गया, यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर स्लैम कर दिया कि भाई हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मुद्दा हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं डिसेंटेंट इनका जर्नलिस्ट था उसको अरेस्ट करने के लिए ये किया गया है, और सारे कंट्रीज ने आपस में मिलकर बोला है कि 26 साल का जर्नलिस्ट है बेचारा, इसको जो है वो रिलीज कर दिया जाए, है ना। EU लीडर्स अब यहां पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सैंक्शन है जो कि इसके ऊपर लगा सकते हैं। ऑलरेडी वैसे तो खैर काफी सारे कंट्रीज ने लगा रखे हैं, लेकिन अभी और स्ट्रिक्ट ग्राउंड ट्रांजिट है जो कि ये करने को लेकर बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए, ठीक है, इसके अलावा तो खैर और कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां पे कंट्री देख ही सकते हैं, काफी बड़ा कंट्री है। 1991 के ऊपर जब USSR का डिवीजन हुआ था तब इसका फॉर्मेशन हुआ था। मॉस्को से काफी क्लोज रिलेशन है जो कि बेलारूस के माने जाते हैं। ठीक है गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं ये तो बाल्टिक सी है यहां पे, है ना, ये
ये कंट्रीज है आपके बाल्टिक सी के पास में, एस्टोनिया, लेटविया, लुथेनिया, ओके, ये नॉर्थ सी है यहाँ पे, ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये पूरे मिला के आपके नॉर्डिक नेशंस हो जाते हैं, समझ गए। पूरे यूरोप के अंदर सबसे जो सस्ते कंट्रीज हैं घूमने के लिए, या फिर अगर हम लोग बात करें थोड़े से, देखो ये जो कंट्रीज है ना वो सबसे ज्यादा डेवलप है ऊपर वाले, फिर उसके बाद आते हैं ये वाले सेकेंड नंबर पे, फिर उसके बाद आते हैं सेंटर वाले, और जो इन सबसे सस्ते हैं जो जहां पे थोड़ा अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ये वाले कंट्रीज हैं, समझ गए, जो यूएसएसआर से अलग हुए थे लेकिन यूरोप का ही पार्ट है एक्चुअली के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। टर्की भी वैसे जो है ना, टर्की का भी सीन यही है कि टर्की जो है माना जाता है वैसे तो खैर है ना, इसके कल्चर वल्चर पूरा एशिया के तौर पर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया इसके अंदर यूरोप के अंदर भी आता है इसका। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हो मिंस्क यहाँ पे इसकी कैपिटल है, और अलेक्जेंडर यहाँ पे प्रेसिडेंट है, बहुत सालों से डिस्प्यूटेड है, इलेक्शन वेक्शन लेकर कुछ भी जो है ये अच्छी तरीके से नहीं होने देते। यूएसएसआर से 1991 के अंदर अलग हुआ और करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1994 के अंदर बना। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कोई 94 लाख के आसपास की इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें GDP को, GDP खैर काफी ठीक ठाक है, $19,000 खैर काफी होती है, और करेंसी यहाँ पे रूबल है जो कि चलती है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ दोस्तों। यहाँ पे डिस्कस करेंगे FDI को लेकर, ठीक है। तो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है, उसके बारे में बात करेंगे इंडिया को लेकर, और इसके अलावा तो खैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग FDI के बारे में बात करेंगे। देखिए दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी भी कंट्री में होते हैं, एक तो होता है FDI, ठीक है, और एक होता है आपका FPI, एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है और एक FDI होता है। FDI जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो डायरेक्टली किसी कंपनी के अंदर होता है ना, जैसे कि जियो के अंदर फेसबुक ने पैसा लगाया, वो FDI के तौर पे माना जाता है। FPI क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट के रूट के थ्रू जो है वो किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हो, समझ गए। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, बढ़िया भी है, जैसे भी पैसा है बढ़िया ही बात है वो तो खैर, लेकिन FDI से आना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि FDI में आपके पास में टेक्नोलॉजी भी आती है, आपको मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है, आपको स्टैंडर्ड आपकी कंपनी के इंप्रोवाइज करने को लेकर काफी काम होते हैं, आपकी जवाबदेही ज्यादा होती है इन्वेस्टर को लेकर, आप वहां पे जेंडर इक्वालिटी है ना, अपनी कंपनी को प्रॉपर तरीके से रन करना, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है, कल्चर के ऊपर फोकस किया जाता है, ओके। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो 2020 के अंदर पेंडेमिक के अंदर दोस्तों जो भी इन्वेस्टमेंट था उसकी रेल बन चुकी है। जितने भी वर्ल्ड के अंदर अगर मैं ओवरऑल FDI की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 42% की गिरावट है जो कि देखने को मिली है, समझ गए मेरी बात, जिसमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है डेवलप कंट्रीज को हुआ है, वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आया FDI का, बहुत ही कम हो गया है, ओके। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो FDI का भारत की अगर मैं बात करूं तो 10% ग्रो है दोस्तों जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिला है ना, 10% यानी कि 2020-21 के अंदर जो है वो $81 बिलियन दोस्तों इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिला है, समझ गए। जिसमें इक्विटी के अंदर जो लोगों ने पैसा लगाया ना इक्विटी लेने के अंदर, वो 19% ज्यादा देखने को मिला, 60 बिलियन तक तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो कि हुआ है, समझ गए। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि इंक्रीमेंट जो है वो कितना हुआ है, यानी कि 10% हुआ, ये पहला सवाल है जो कि आपके एग्जाम में किसी में बनेगा, इंपॉर्टेंट इश्यू है। दूसरा सवाल, कौन से कंट्री ने दोस्तों सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो सिंगापुर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जो कि रहा है, समझ गए मेरी बात। सिंगापुर की बात करें तो टोटल को 28-29% के आसपास है जो कि सिंगापुर का रहा। सेकंड नंबर के ऊपर है USA, ठीक है गाइज, और ये दोनों बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके थर्ड नंबर पे आया आपका मॉरिशस, USA का जो है वो 23% के आसपास है और मॉरिशस का कोई 9% के आसपास है, ठीक है। तो सिंगापुर नंबर 1 पे, सेकंड पे USA, थर्ड पे मॉरिशस, ये दूसरी बात हो गई, ये दो तरीके के सवाल हो गए। अब तीसरा ये है कि कौन से वाले सेक्टर में जो है वो सबसे ज्यादा पैसा है जो कि लगा है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा जो पैसा किस सेक्टर में आया है तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि देखने को मिला है, समझ गए मेरी बात। ये टॉप डेस्टिनेशन है जिसके अंदर पैसा लगा, टोटल 44% इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर देखने को मिला है। उसके बाद में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद में 13% आप देख सकते हैं, फिर सर्विस सेक्टर है इस तरीके से। अब बात करते हैं कौन से राज्य में इन्वेस्टमेंट आया है, तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया वो गुजरात है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आया उसका 37% गुजरात में है, उसके बाद में उसका जो क्लोज काउंटर पार्ट है जो कि महाराष्ट्र,
27% सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, उसके बाद में कर्नाटका में 13% देखने को मिला है। समझ गए मेरी बात? तो ये चार पांच चीजें आपको पता होनी चाहिए देश में पैसा आने को लेकर, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल 81 बिलियन डॉलर्स है, सर्विस सेक्टर सॉरी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा है, गुजरात में सबसे ज्यादा आया है, सबसे ज्यादा पैसा सिंगापुर यूएसए और मॉरिशस ने जो है वो इंडिया के अंदर लगाया है। समझ गए मेरी बात? ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब अगर मैं दुनिया से कंपेयर करूं कि हम लोग कहां पे स्टैंड करते हैं, तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर 42% जो है माइनस के अंदर है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में -69 है, यूरोप के अंदर खैर डाटा दिखाया नहीं है, नॉर्थ अमेरिका की बात करें -46, डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर -12 है, अफ्रीका में -18, कैरेबियन में -37, डेवलपिंग एशिया में -4 और ट्रांजिशन इकोनॉमीज में -77। तो आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव ही है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट एफडीआई देखने को मिलेगा। अब ये यहां पे देखिए यूके, इटली, रशिया, जर्मनी, यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव में है, यूएसए में -49% है। समझ गए? जो पॉजिटिव के अंदर है दोस्तों वो ये सारे कंट्रीज है जो कि दुनिया में कोविड के अंदर भी एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रहे हैं, जिसमें से सऊदी अरेबिया, चाइना, जापान और इंडिया। समझ गए? ठीक है, यहां पे 10% के आसपास है इंडिया का, 13% दिखाया है, 10% के समवेयर है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है जो कि दुनिया में अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं चाइना को लेकर, तो चाइना के तो खैर चाइना ने दोस्तों यूएसए को पीछे छोड़ दिया है इस बार। ठीक है, आप यहां पे देखोगे कि चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया है ना वो आया है $164 बिलियन, वही यूएसए की अगर बात करें तो यहां पे $134 बिलियन है। हालांकि खैर बहुत कम हो गया, यूएसए का कम होने के बाद में भी हमसे ज्यादा है, लेकिन कम हुआ है, वो ड्रेस्टिकली कम हुआ है, वरना इसका 200 के ऊपर रहता था। और अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी हम लोग काफी पीछे 81 बिलियन डॉलर है, लेकिन ठीक है, ग्रोथ एटलीस्ट हुई है, नेगेटिव में तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, तो यानी कि यूएसए को दोस्तों पीछे छोड़ दिया, चाइना दुनिया पे नंबर वन पे हो चुका है, यूएसए सेकंड पे हो चुका है, अगर मैं 2020 के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो। समझ गए मेरी बात? आगे चलते हैं पेज नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गोल्फ की, दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्लेयर दोस्तों जो है जिन्होंने एक मेजर टाइटल जीता है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। मिल्खा सिंह जी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कंडीशन जो है अभी इनकी स्टेबल है। ठीक है, 91 ईयर के हैं मिल्खा सिंह। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे फिल मैकेलसन को लेकर। ठीक है, फिल मैकेलसन दोस्तों पीजीए चैंपियनशिप है जो कि इन्होंने जीत लिया, और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है जो कि बन चुके हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मेजर टाइटल 50 की एज के अंदर है जो कि जीता है, 50 साल की उम्र के अंदर जीतना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। ठीक है गाइस, 2013 से इन्होंने अपना करियर है जो कि स्टार्ट किया, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है करियर को, लेकिन काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि इन्होंने दी है। ठीक है गाइस, चलिए, और इससे पहले बोरस करके एक हुआ करते थे जिन्होंने 48 की उम्र में जीता था, तो उनको रिप्लेस है जो कि यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, और 30 साल हो चुके हैं वैसे कह रहे इनको टूर्नामेंट खेलते हुए, ओनली प्लेयर है जिन्होंने पीजीए टूर विक्ट्री 30 इससे पहले 1968 में भी जीता था इन्होंने वैसे, ओके, और अब जाके 30 साल बाद भी जीता है, तो बहुत बड़ी बात है यार। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो ट्विटर के डोर के ऊपर है ना, आफ्टर द बीजेपी पोस्ट फ्लैग्ड उसको कर दिया गया, ये दिखाया गया है। यहाँ पे सीबीआई का केस है, यहाँ पे शादी को लेकर है, हवा के अंदर शादी, ये दोस्तों लोग वैक्सीन लगाने आए हुए हैं, गाड़ी के अंदर वेट कर रहे हैं अपना। ठीक है, और ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट को लेकर। आपको मालूम है अभी 2-3 दिन के अंदर काफी जंप है जो कि देखने को मिला है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टेस्ट $500 बिलियन जंप टेक बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन टू $3 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो दुनिया के अंदर क्या होता है कि जितने भी स्टॉक मार्केट है, समझते हो ना स्टॉक मार्केट क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी सबसे पहले अपना आईपीओ लेके आती है, समझ गए मेरी बात? जैसे कि फॉर एग्जांपल अनअकैडमी को एग्जांपल ले लो, 2 साल बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है ना, ग्रोथ करती जाती है बहुत अच्छे तरीके से, बच्चों को क्लासेस दे रही है, सारे काम हो रहे हैं है ना, कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। तो अनअकैडमी क्या करेगी, सबसे पहले जब उसको अपने अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है तो सबसे पहले आईपीओ लेके आएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, कोई भी कंपनी जनता को अपने शेयर को ऑफर करती है, समझ गए मेरी बात, उसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ आने के बाद में लोगों के पास में शेयर्स है जो कि आ जाते हैं, समझ गए मेरी बात, सारे लोगों के पास में शेयर आ गए। अब ये शेयर का करेंगे क्या, घर पे कोई लेके बैठे रहेंगे क्या इन शेयर को, करेंगे क्या ये, इसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे इसकी,
ये इसको बेचेंगे खरीदेंगे ये करेंगे, कहां पे करेंगे भाई, कुछ जगह तो होनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में तो करेंगे नहीं भाई, तू ले ले ऐसे तो करेंगे नहीं। तो एक जगह जहां पे ये ट्रेडिंग होती है उसको अपन स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जहां पे सेकंड हैंड सेल्स आपके शेयर्स के सेल और परचेज जो की होती है, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड नहीं, सेकंड हैंड। एक आदमी बेचता है दूसरा आदमी खरीदता है, किसी को लगता है कि यार अभी बेच देने में फायदा है, किसी को लगता है यार अभी खरीदने में फायदा है, समझ गए, वो वाला गेम चलता है। तो स्टॉक मार्केट जिसको अपन लोग कहते हैं, उसी के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर ही हमारा एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, समझ गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों हमारे एशिया का सबसे पुराना है, कुछ एक लोगों ने मिलकर 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत करी थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के अंदर भी 11वें नंबर का सबसे बड़ा है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो 10वें नंबर के ऊपर आता है पूरी दुनिया में, ऊपर नीचे चलता रहता है थोड़ा बहुत, कभी 10-11 पे ये 11 पे ऐसे चलता रहता है, समझ गए मेरी बात। दुनिया के अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कहां पर स्टॉक लिस्टेड है और टोटल इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज के टाइम पे जो कंपनी है इनकी 30 कंपनी जो टॉप के अंदर आती है, बीएससी है ना टॉप के अंदर जो 30 है, सेंसेक्स इनका जो इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उसको बोलते हैं सेंसेक्स इंडेक्स, सही है, ये सिर्फ दिखाता है चीजों को, और इनका क्या है निफ्टी 50, समझ गए। कभी भी कोई सेंसेक्स में पैसा नहीं लगाता, वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, यानी कि वो बीएससी में पैसा लगाता है, समझ गए। सेंसेक्स में पैसा नहीं लगाते, लोग बोलते हैं सेंसेक्स में पैसा लगाया, निफ्टी में पैसा लगाया, वो सिर्फ एक इंडेक्स होता है, समझ गए। ये दोनों का सेंसेक्स इसका हो गया, निफ्टी 50 इसका हो गया, यानी कि इसमें 50 कंपनी है, इसके अंदर 30 कंपनियां हैं टॉप की बीएससी के अंदर। इनका टोटल अगर वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं निकालूं तो ये $3 trillion की कंपनी दोस्तों यहां पे देखने को मिलती है, $3 trillion की, किसके अंदर, बीएससी के अंदर। जिस तरीके से बढ़ती जा रही मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, ओके 2007 के अंदर $1 trillion थी, और अगर मैं पिछले 13 साल में बात करूं तो 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है जो कि हो चुकी है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि अगर आपने 2007 में अगर इन्वेस्ट करना चालू किया होता तो आज आपका पैसा मतलब 3 गुना के समवेयर जो कि हो चुका होता, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बीएससी भी दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है। तो जहां पर डेवलपिंग कंपनीज होती है ना वहां पर हमेशा जो भी आप पैसा कमाते हो ऑलवेज ऑलवेज उसका 10% 15% आप स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनी है उनके ऊपर पैसा लगाया करो, ये आपके रिच होने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ना। वॉरेन बफे हमेशा ये बात बोलते हैं, कभी भी आप अमीर जो है वो पैसा कमाने से नहीं होते, हमेशा इन्वेस्ट करने से बनते हो, समझ गए मेरी बात। तो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा पिछले 1 साल से जब से ये एप्लीकेशन आई है ना जोरोधा अपस्टॉक्स और ये सारी एप्लीकेशन आई है, जो अपने यूथ है ना उन्होंने डबल हो चुके हैं ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, आपके पास में एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होने चाहिए, ओके। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो ये बात बहुत ही जग जाहिर है कि कंपनी आगे ही बढ़ेगी, अरे देश आगे ही तो जाएगा, अगर कंपनी भी अगर देश कि गवर्नमेंट कैसा ही काम करे लेकिन कंपनीज अगर अच्छे तरीके से काम करेगी तो कंपनी के ऊपर आपका स्टॉक मार्केट डिपेंड रहता है। हालांकि डेफिनेटली उसकी ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे मैटर करती है, लेकिन फिर भी ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोग कंजप्शन तो करेंगे ही करेंगे, कंजप्शन करेंगे तो कंपनी ऊपर बढ़ेगी जो अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो आप लोगों को करना चाहिए ये सब, है ना, अच्छी बात है। जब भी आप अर्निंग कर रहे हो, अभी तो आप नहीं कर रहे हो, इधर उधर से उधार मांग के मत करना, ये उधारी वाले काम नहीं होते हैं ना, ये वो काम होते हैं जब आप अपनी सैलरी में से कुछ पोर्शन निकालो, ठीक है, उधारी उधारी करके मत करना ऐसे काम कभी भी जीवन में। चलिए ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे बताया गया कि $10 trillion के मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि हो चुकी है दुनिया में नंबर वन पे। अभी बीएससी के जो एमडी और सीईओ है उनका नाम है आशीष कुमार चौहान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहाँ पे दुनिया में नंबर वन पे कौन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है $25 trillion, यानी कि हमारे से देख सकते हो आप 7-8 गुना ज्यादा है। मतलब सेकंड नंबर पे नैसडेक है, ये भी न्यूयॉर्क का ही है, यूएस का ही है, $19 trillion, फिर हांगकांग $6 trillion, फिर शंघाई है वो भी 6.56 है और हांगकांग का 6.76 है, समझ गए। और आप अरे $8 trillion की तो यहाँ पे एप्पल ही बन चुकी, अमेजन ही बन चुकी है यार इनकी, $8 trillion तो अमेजन ही पहुंच चुकी है, अमेजन एप्पल इन तीनों के, गूगल माइक्रोसॉफ्ट निकाल लो अमेरिका की, तो $2-3 trillion की तो ये बन जाती है कंपनी, यानी कि हमारा जितना पूरा बीएससी है ना उतनी वहां की 4 कंपनी मिला के, समझ गए। चलिए लेकिन फिर भी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। आगे बात करते हैं G7 कंट्रीज को लेकर। G7 कंट्रीज दोस्तों दुनिया में जो बड़ी कंट्रीज है G7, उन्होंने मिलकर एक गोल सेटअप किया है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल अमेजन फेसबुक, ये बहुत पैसा कमा रही है, तो क्यों ना हम भी हमारे कंट्री के अंदर जो है
वो क्या किया जाए, मिनिमम टैक्स के स्टैंडर्ड है जो कि सेट कर दिया जाए इन लोगों के लिए। तो ये सारे कंट्री जो है वो मिलकर ये बोल रही है, प्रपोज कर रही है कि 15% मिनिमम जो है वो टैक्स का एग्रीमेंट है जो कि इनके साथ में किया जाए। ठीक है गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है वो काफी क्लोज है एक एग्रीमेंट करने को लेकर, कॉर्पोरेट टैक्सेशन को लेकर, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और ग्लोबल डील होगी एक तरीके से, ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि इसको लेकर बनाए जाएंगे। एटलीस्ट है ये मिनिमम बता रहा हूं, ये 15%, बाकी आगे कितना भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक बहुत बड़ा डोर ओपन कर ही दिया है न्यूज़पेपर के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जब से फेसबुक के साथ में, गूगल के साथ में डील करी है कि हम हमारे जो पैसा, जो न्यूज़पेपर जो काम करते हैं, जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, उसका पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मालूम है एक बहुत बड़ा पैरामीटर ओपन हो चुका है दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनके लिए काफी एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स बन चुका है। इंडिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, है ना, या जो मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके लिए भी ओपन हो चुका है, वो उनके साथ में भी गूगल डील करेगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे तो एक तो होपफुली प्रिंट मीडिया के साथ में डील करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो हाल वैसे बहुत खराब है, उनके पास तो वैसे बहुत पैसा आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो कि सिंगापुर को लेकर। सिंगापुर ने की सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि सिंगापुर की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म के ऊपर काफी डिपेंड करती है, लेकिन अभी क्या हो गया कि यूएसए ने, यूरोप ने, इन लोगों ने क्या कर दिया, ट्रैवलर्स के लिए अपनी बाउंड्री ओपन कर रहे हैं, जबकि कोरोना के केसेस अभी भी वहां पे हैं, लेकिन वो लोग हिम्मत कर रहे हैं ओपन करने की, और वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, आप, हम जो है आपके, या तो हम आपको कोविड का, हम आपको या तो वैक्सीन देंगे या फिर आप जो है वो वैक्सीन लगा के आओ हमारे पास, है ना, सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी है। लेकिन अभी भी सिंगापुर जो है उसने अपने आप को क्लोज किया हुआ है, जबकि यहाँ पे जीरो केसेस हो चुके हैं। फेयर तो होता ही है ना, डर तो, लेकिन अब इन्होंने फाइनली एक तरीका निकाल लिया है एक मिनट के रिजल्ट को लेकर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है जो कि करना है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से ही दोस्तों पता लग जाएगा कि आपको एक मिनट के अंदर कोविड है कि नहीं है, उससे जो है इनको काफी फायदा हो जाएगा, और अपने वहां पे कई लोगों को भेजना है नहीं भेजना उसको लेकर, तो समझ गए। तो कोविड-19 और उनके एक्यूरेट रिजल्ट को लेकर एक मिनट के अंदर एक्यूरेट रिजल्ट है, जो कि सिंगापुर की एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने बोला है कि एक वहां की स्टार्टअप है ब्रेथनॉक्स, उसने दोस्तों ये काम किया, एक ब्रेथ एनालाइजर बनाया है जो कि, अरे देखो पुलिस वाले काम में लेते क्या, अरे कभी भी लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं बोले फूंक मारो, तो क्या होता है वो ब्रेथ एनालाइजर ही तो होता है, जिसके अंदर पता लग जाता है फूंक मारते कि आपकी बॉडी में अल्कोहल कंटेंट कितना, कितनी आप ड्रिंक करके आए हो। देश में 1.5 लाख जो है लोग मरते हैं, 50% जो एक्सीडेंट होते हैं देश में वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस होते हैं, समझ गए, जिसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं हर साल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ब्रेथ एनालाइजर काम में लेते, पुलिस वाले रोकते हैं और फूंक मरवाते हैं, मारी होगी आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक बार। तो अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर 30, उसमें लिमिट क्या होती है, 30 ml की होती है ना, 30 ml की उसमें क्या होती है, लिमिट होती है। एक्चुअली के अंदर हमारे 100 ml ब्लड के अंदर हम ये मानते हैं कि 30 mg जो है वो अल्कोहल है जो कि हम लोग मान के चलते हैं। अब इसके ऊपर जैसे जाता है तो वो जो है चालान काट देते हैं आपकी बॉडी में। आप या तो एक पाइंट समझते हो, पाइंट होती है एक छोटी वाली जो बियर होती है वो लिमिट है। अगर आपने एक पाइंट समझते होंगे होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोग, तो एक पाइंट से ज्यादा ही अगर आपने ड्रिंक कर ली है तो इस ब्रेथ एनालाइजर में आ जाएगा और आपका चालान ठुक जाएगा। आजकल चालान नहीं ठुकता, आजकल तो गाड़ी बंद होती है, लाइसेंस भी जब्त हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स और होने भी चाहिए, समझ गए, क्योंकि जनता मानती नहीं है। तो एक बियर पी ली अगर आपने, तो 1 beer इज इक्वलेंट टू द 1 glass ऑफ वाइन, इट इज इक्वलेंट टू द 45 ml ऑफ द हार्ड लिकर। ओके, तो ये तीनों बराबर क्वांटिटी में आपके अल्कोहल है जो कि जाता है बॉडी में और उसमें दिखता है। तो 30 mg के आसपास है, उससे ऊपर जाते ही जो है आपकी बॉडी में नेचुरली भी अल्कोहल होता है। तो एक पाइंट तक जो होता है ना, 1 glass ऑफ बियर, उससे ज्यादा पीते ही आपकी बॉडी में आ जाएगा, समझ गए। तो कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव मत क्या करो, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो खैर मैंने आपको बताई दिया पूरा, है ना, इसकी कॉस्टिंग जो है वो $3 से लेकर $20 तक है जो कि समवेयर आ रही है। तो ट्रैवलिंग सेक्टर को दोस्तों बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये काम है जो कि किया है। आगे बात करते हैं जनसत्ता की दोस्तों, बच्चों की तीसरी लहर के असर की बात में दम नहीं, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को कोई असर नहीं है। लेकिन जो डाटा है दोस्तों थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं। भरतपुर में 18 साल से कम उम्र के जो 612 बच्चे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें से काफी ज्यादा केसेस तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों के में अंदर भी है। दिल्ली के अंदर भी 40 केसेस देखने को मिले बच्चों के अंदर कोविड के। तो डाटा अलग बता रहे हैं लेकिन सरकार अलग बोल रही है। अब होपफुली ऐसा ना हो कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि फर्स्ट वेव में बुजुर्ग गए, सेकेंड वेव के अंदर जवान गए, अब थर्ड के अंदर बच्चे जो है वो नहीं होने चाहिए। तो वैक्सीनेशन करना ही एक तरीका बचा है कि सरकार जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन करे वही एक तरीका है।
ठीक है, आप देख सकते हैं 18 प्लस भी टीकाकरण केंद्र पर जाकर कर सकेंगे पर्चीकरण, ये बोला गया है। और ये दिल्ली के ट्विटर के बारे में है, यहाँ पे 2 लाख केसेस देखने को मिले 15 अप्रैल के बाद पहली बार हमें यहाँ पे, है ना, 18 करोड़ लोगों को जो है एक वैक्सीन है जो कि लग चुकी है। ठीक है, इसके अलावा सुशील कुमार को रेलवे ने निकाल दिया है, रेलवे में वो नौकरी किया करते थे, ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है। आगे बात करते हैं, ये देखिए एक और दोस्तों साइक्लोन जो कि अमेरिका के अंदर अटलांटिक स्ट्रॉन्ग, दोस्तों इसका नाम क्या है, इसका नाम है एना। ओके, तो आपको मालूम है ये जो टाइम होता है ना मई से आगे वाला जो टाइम है, इसमें काफी सारे साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो नेशनल हरिकेन सेंटर है मियामी के अंदर, वहां पे सब ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है एना, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि काफी रेन है जो कि बरमूडा वाले एरिया में करेगा। तो ये पहला अटलांटिक स्ट्रॉम है और जो कि इस वाले सीजन में देखने को मिला है। हालांकि कोई भी लैंड पे या किसी भी जगह पे ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा, छोटा है, बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं 450 किलोमीटर दूर है बरमूडा से, यानी कि जब तक 450 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा तब तक जो है काफी चीजें शांत है जो कि वो हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको मालूम है अमेरिका के अंदर आसपास जो भी एरिया है ना पैसिफिक और अटलांटिक, वहां पर कोई भी स्ट्रॉम आता है तो उसको हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, जापान वाले एरिया में उसको टाइफून कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसको साइक्लोन कहते हैं, समझ गए। तो ये देख सकते हो ये बरमूडा है। ठीक है गाइस, ये ब्रिटिश टेरिटरी है अगर बेसिकली बात की जाए तो, है ना, ये क्या है अटलांटिक हरिकेन, क्या है, एक ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है। ओके, अटलांटिक ओशन के अंदर जून से नवंबर वाले टाइम के अंदर ये देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, ये कुछ नाम है मतलब और भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं अलग अलग। तो बरमूडा क्या है, एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है। ठीक है गाइज, और 1000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है और नेट नॉर्थ कैरोलिना से 180 दूर है ये, और बरमूडा के अंदर 181 आइलैंड है छोटे छोटे से, है ना, और कुछ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है यार, कुछ 70,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। और हैमिल्टन करके इसकी कैपिटल है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, खैर वहां पे जो खुद काम करती है, लेकिन ये किसके, ब्रिटिशर्स के अंडर में है जो कि आता है। ठीक है गाइज, वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटल इनकम यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है। इंश्योरेंस कंपनी भी है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये बरमूडा है, यहाँ पे ये ब्रिटिश टेरिटरी है। ठीक है, छोटे छोटे से आइलैंड्स बने हुए हैं। ओके, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पॉपुलेशन देखिए 70,000 के आसपास है, है ना, और ठीक है 1684 के अंदर जो है इंग्लिश क्राउन कॉलोनी है जो कि ये बना था। 1941 के अंदर यूएस ने एस्टैब्लिश किया मिलिट्री बेस। 2007 के अंदर दोस्तों वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है जो कि इसको पर कैपिटल इनकम के हिसाब से बताया गया था। ओके, चलिए, इसी के आसपास बरमूडा ट्रायंगल भी बोलते हैं, आसपास का जो एरिया है ना बरमूडा ट्रायंगल, जहां पे बोलते हैं कि कोई भी प्लेन जाता था तो मिस्टीरियसली गायब होता था, खैर कुछ ऐसा है नहीं, वो बात अलग है। आगे बात करते हैं, हरियाणा टू लॉन्च संजीवनी परियोजना। तो हरियाणा क्या कर रहा है दोस्तों, संजीवनी परियोजना जो कि इसने लॉन्च करी है, एंटी कोविड एक स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है। जो भी लोग घर के अंदर है जिनको कोविड हो गया उनको घर पे जाके सुविधा है जो कि दी जाएगी, उनको मदद दी जाएगी, इसको लेकर ये योजना है जो कि लॉन्च करी गई है। ठीक है, ताकि मेडिकल केयर जो गांव के अंदर लेके जा सके, अवेयरनेस लेके जा सके, इसको लेकर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। ठीक है गाइज, हरियाणा की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा केसेस हरियाणा में भी देखने को मिल चुके हैं, 3 लाख से ज्यादा मृत्यु जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल चुकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके अलावा तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा का आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बात करें विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे डिप्टी सीएम है और खट्टर साहब यहाँ पे सीएम है। ओके, चंडीगढ़ कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, ब्लैकबक मेंबर है, फ्रेंकलॉन यहाँ पे बर्ड है, फ्लावर लोटस है, ट्री यहाँ पे पीपल आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे को लेकर। तो 2021 का जो वर्ल्ड टर्टल डे है दोस्तों वो कितनी तारीख को मनाते हैं हम लोग, 23 मई को हर साल है जो कि मनाते हैं, जिसमें हम लोग टॉर्टोइज और टर्टल को बचाने को लेकर अवेयरनेस है जो कि क्रिएट है जो कि हम लोग करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थीम जो रखी गई है वो रखी गई है टर्टल रॉक्स। ठीक है, बहुत ही खतरनाक थीम है, है ना, तो ये थीम है जो कि यहां पे रखी गई है। आगे बात कर सकते हो आप, और 1990 में इसकी शुरुआत करी गई थी, अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू टीम थी उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ा जो टर्टल माना जाता है ना सी टर्टल, उसका नाम है यहां पे देख सकते हो लेदर बैक टर्टल। ये बहुत ही बड़ा होता है यार, आपको मैं फोटो दिखाता हूं उसका। ओके, आप देख सकते हो ये जो लेदर बैक टर्टल है ना, ये 6,000 माइल है जो कि एक साल के अंदर ट्रेवल करता है, पूरे के पूरे ओशन के ओशन है जो कि पार कर जाता है मतलब, है ना, और 4,000 फीट तक जो है वो डाइव भी कर लेता है,
और सबसे ज्यादा डीप तक डाइव करने वाला, आगे तक जाने वाला टर्टल है जो कि माना जाता है दुनिया के सबसे बड़ा टर्टल है। 2000 पाउंड तक इसका वेट है जो कि देखने को मिलता है। 8 फीट लंबा है जो कि ये टर्टल है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आज के टाइम पे दोस्तों एक्सटिंक्शन के कगार के ऊपर चले गए हैं। बहुत ज्यादा जो है इनके लोगों ने जो है इनको मारा है ना, और जेलीफिश को ये लोग ईट करते हैं। नॉर्थ और आर्कटिक सर्किल तक ये लोग ट्रैवल कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं फोटो, इतने बड़े बड़े होते हैं टर्टल, दिख रहा है आपको, इतने बड़े बड़े टर्टल्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं। G7 नेशन ने दोस्तों प्लेज किया है कि वो लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एफर्ट है जो कि बढ़ाएंगे। तो G7 कंट्रीज ने दोस्तों क्या किया है यहाँ पे, एफर्ट को बढ़ाने को लेकर बात बोली है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है वैसे एक्चुअली में, बहुत बच्चों को पता होगा लेकिन आधा अधूरा ही पता होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे तो एक बार शेयर कर देना वीडियो को। चलिए तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि सनलाइट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और हमारे अर्थ को क्या करती है, गर्म करती है, और जो रेडिएशन है ना वो हमारे अर्थ से निकलती है। समझ गए, जैसे अर्थ से रेडिएशन निकलती है तो हमारी अर्थ जो है वो कूल होती है और एक हैबिटेबल टेम्परेचर है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी आर्टिफिशियल गैसेज हो गया, जलाना वलाना, पॉल्यूशन वॉल्यूशन है ना, रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस प्रोग्राम, इसकी वजह से क्या हो गया है कि इतनी ज्यादा ये जो आर्टिफिशियल गैसेस ने हमारे अर्थ के ऊपर एक चादर बिछा ली है। उस चादर बिछाने की वजह से जो इंफ्रारेड रेड है जो बाहर नहीं निकल जा नहीं जा पाती है, और नहीं जाने की वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कूल नहीं हो पाता है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, आग लग रही है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, स्किन कैंसर बढ़ रहे हैं। समझ गए, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि बाहर जा ही नहीं पाती बिचारी लेयर, ऊपर एक आर्टिफिशियल जो है वो गैसेस का एक परत है जो कि चढ़ जाती है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि कहते हैं। समझ गए, तो ये G7 कंट्रीज ने बोला है कि 2021 के एंड तक हम लोग नए वाले जो कोल फायर पावर प्लांट है ना उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल तक 2 डिग्री तक हम रखने की कोशिश करेंगे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में भी यही वाली डील है जो कि करी गई है एक्चुअली के अंदर। समझ गए मेरी बात, G7 कंट्रीज की बात करें तो आप यहां पे देखियो सबने जो है वो अपने एफर्ट लगाने को भी बात कर रहे हैं। ओके, कौन कितना एफर्ट लगा रहा है, कौन कितना नहीं लगा रहा है, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो कंट्रीज है ना जो इस वाले कलर में दिख रहे हैं, ये अभी भी इनके एफर्ट जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि इनको और काम करने की जरूरत है। ये वाले जो कंट्रीज है जो क्या जिनका ग्रीन है ये मीडियम वाली रेंज के ऊपर है, और जो सबसे अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं ना वो लार्ज डार्क ग्रीन वाले कंट्रीज है जो कि सबसे अच्छा एफर्ट है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल में लगा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। डार्क ग्रीन में एक तो बेचारा भूटान है, एक यहाँ पे इथोपिया है, एक यहाँ पे मोरक्को है, और एक यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है बस। ठीक है, यूरोप भी जो है वो मीडियम के अंदर है, और ये जो रशिया चाइना इंडिया हम लोग भी मीडियम वाले लेवल के ऊपर है ना, कनाडा अर्जेंटीना रशिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जापान, ये इनके जो एफर्ट है वो इनएडिक्वेट है अभी भी। समझ गए मेरी बात, इनको और काम करने की जरूरत है इसके ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। तो जीरो नेट कार्बन इमिशन जो है वो 2050 तक का टारगेट किया हुआ है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, G7 कंट्रीज की बात करें, 1975 में पहली बार मीटिंग हुई, दुनिया की 40% GDP यही संभालते हैं, 10 में से 1 इनकी पॉपुलेशन है। 2014 के अंदर रशिया को इसमें से निकाल दिया गया क्योंकि क्रीमिया के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली यूएस यूके और जापान, G7 8 के लिए रशिया भी मिला लो और 20 के अंदर ये सारे कंट्रीज मिला लो, जिसमें से G20 में हमारा कंट्री भी दोस्तों आ जाता है। हमारे अलावा हमारे आसपास का कोई कंट्री नहीं है, चाइना ही है, छोटे मोटे जो आसपास के है ना वो कोई भी नहीं है। आगे बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ समिट को लेकर, G20 का ग्लोबल हेल्थ समिट करवाया गया और इसको यहाँ पे दोस्तों इटली के द्वारा है जो कि होस्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। समझ गए, ग्लोबल G20 हेल्थ समिट है जो कि को होस्ट किया गया यूरोपियन कमीशन के द्वारा और इटली के द्वारा, और यहाँ पे कोरोना वायरस केसेस को लेकर सबसे बड़ा डिस्कशन है जो कि किया गया है। रोम डिक्लेरेशन का प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात करी गई है ताकि इस पेंडेमिक को जो है वो रोका जा सके। समझ गए मेरी बात, चलिए ठीक है। WHO का ये कहना है कि जो पेंडेमिक का जो फ्यूचर है ना वो G20 लीडर्स के पास ही है। बिल्कुल बात सही भी है, G20 दोस्तों दुनिया के मेजर कंट्रीज है, अगर इन्होंने अच्छी तरीके से टैकल किया है ना, जॉब्स वापस से लेके आए, इसको कंट्रोल कर लिया, ग्लोबल वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर लिया, तो दुनिया जो है उसको बचाने में काफी हेल्प है जो कि मिल सकती है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं G20 के सारे कंट्रीज है। ओके, ACT एक्सीलेटर की बात करी गई है, यानी कि
एक्सेस टू COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर, जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सभी को मिले, इसके बारे में यहां पे डिस्कशन किया गया। ग्लोबल एक्सेलरेशन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू COVID-19 डायग्नोस्टिक थेरेपिस्ट एंड वैक्सीन, सभी लोगों को वैक्सीन भी मिले, थेरेपी मिले, किट मिले, इसको लेकर यहां पे बात करी गई ग्लोबल कोलैबोरेशन को लेकर। ठीक है, फोर पिलर है जो कि इसके ऊपर डिफाइन करे गए, वैक्सीन, टीके, निदान, चिकित्सक और स्वास्थ्य प्रणाली, ये चार चीजें जो कि इसमें डिफाइन करी गई है। G20 की बात करें तो समिट की इस बार इसको बोलते हैं समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है गाइस, 1997-1998 में इसकी शुरुआत करी गई थी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। ओके, चलिए प्रेसिडेंसी की बात करें तो कोई परमानेंट स्टाफ इसका नहीं है और रोटेटिंग बेसिस के ऊपर यहां पर सबमिट है जो कि करवाए जाते हैं, वही उसके प्रेसिडेंट है जो कि बनते हैं, ये सारे कंट्रीज हैं। चलिए ठीक है, दुनिया के 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना वो इन्हीं कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, 60% पॉपुलेशन, 26% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यही करते हैं, 70% फार्मर भी यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। आगे बात करते हैं, तेलंगाना और NHA ने साइन किया MOU ताकि आयुष्मान भारत और PMJ आयुष्मान भारत जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट है जो कि किया जा सके। तो हमारे देश में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, उसने MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में, किस चीज को लेकर, आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंट करने को लेकर, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, जो कि इंडिया की एक तरीके से ओबामा केयर की कॉपी स्कीम मानी जा सकती है, समझ गए, ओबामा केयर भी वैसे ही है, वैसे इंडिया के अंदर भी दोस्तों ये जन आरोग्य योजना है जो कि लॉन्च करेगी, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत भी कहते हैं, समझ गए। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि हर एक फैमिली को जो है वो हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं सालाना, आप कहीं पर भी जाके जो है जो BPL वाले परिवार है उन सबको, ठीक है, तो उनमें जो है आप जाके इलाज करवा सकते हैं, काफी अच्छी स्कीम है, इसका फायदा जो है वो सभी लोगों को उठाना चाहिए। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आरोग्य श्री है जो कि यहाँ पे इसको नाम है जो कि दिया गया है, एक्चुअली के अंदर तेलंगाना में भी इस तरीके की स्कीम चलती है जिसका नाम आरोग्य श्री है, तो दोनों को इंटीग्रेट है जो कि यहाँ पे किया गया है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, अब टोटल जो है वो 33 राज्य और UT है जहां पे इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। चलिए ठीक है गाइस, ये देख सकते हो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर। ठीक है, एम क्या है कि जो पुअर है, वल्नरेबल हाउस होल्ड है, उन सभी को जो है हेल्थ केयर की सुविधाएं अवेलेबल करवा दी जाए। ठीक है, इसमें 1300 मेडिकल और सर्जिकल पैकेज है, 25 स्पेशलाइज्ड है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी है ना, कैंसर के 50 तरीके के ट्रीटमेंट का, कीमोथेरेपी, बहुत सारे इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है, अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, अभी भी अगर आप मेजरली लोगों से बात करोगे जो भी आपको स्लम एरियाज में कहीं पे मिलेंगे तो वो अभी भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या, एक तो क्या कोई भी स्कीम आती है तो उसका अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, गांव-गांव तक हेल्थ वर्कर्स पहुंचे, सभी लोगों को जो है करवाने को लेकर आगे होकर मोटिवेट करें, ये वेट ना करें कि लोग आएंगे, खुद जो है डोर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों को इतनी समझ होती तो यार SBI का जो है वो 350 रुपए का एक वो होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं इतने सारे, तो जनता वही करवा लेती है ना, तो इतने ज्यादा कभी भी हमें डोनेशन कैंप करवाने की या फिर जो क्राउड डोनेशन करने की, क्राउड फंडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या प्रॉब्लम यही होती, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे गांव-गांव तक, घरों-घरों तक पहुंचते हैं ना, उसी तरीके से स्कीम को भी घरों घरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे 70% लोगों को नहीं पता होता है, उनकी गलती भी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि कौन सी स्कीम चलती है, क्या होती है, कैसे होती है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आयुष्मान भारत पूरी स्कीम है 2018 के अंदर है जो कि इसको लॉन्च करी गई थी, ठीक है ना, और अभी तक जो है एम क्या था, 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को जो है इसके अंदर कवर करने को लेकर, कैशलेस और पेपरलेस है जो कि इसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट है जो कि होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ये सारी बात करी ली हमने, नेक्स्ट चलते हैं जो कि आज के दिन के इतिहास की बात करते हैं। आज इंडिया में बात करते हो, सर सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है जो कि स्टैब्लिश किया था, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के तौर पर हम लोग जानते हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारे इंडिया का, 1920 में स्टैब्लिश किया गया। गौतम बुद्ध का 2500वां बर्थ एनिवर्सरी जो कि 1956 में सेलिब्रेट करी गई। सिकंदर सूर ने दोस्तों कंपेल्ड टू सरेंडर मंकोट इन पंजाब, ये यहाँ पे ठीक है, उन्होंने सरेंडर है जो कि पंजाब में किया था। और वर्ल्ड की बात करें तो 1977 के अंदर फर्स्ट स्टार वॉर फिल्म है जो कि रिलीज करी गई, जॉर्ज लूकस एपिक स्पेस ओपेरा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। 1963 के अंदर 32 जो अफ्रीकन कंट्रीज है उन्होंने व्हाइट रूल के खिलाफ दोस्तों प्रोटेस्ट किया,
ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि दुनिया में हुई है। आज के दिन की फन फैक्ट की बात करें तो बात करते हैं दोस्तों, देखो क्या होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको लगता है कि जितने पसीने आ रहे हैं उतना आपकी बॉडी में से फैट निकल रहा है। आप पतले हो जाओगे जितने ज्यादा आपकी बॉडी में से पसीने निकलेगा, ऐसा मानते हो ना आप? ऐसा नहीं होता है, समझ गए? आपकी बॉडी से जो फैट है ना वो एक्सेल होता है आपकी ब्रीथिंग से ना कि आपके पसीने से, समझ गए? तो ये रिसर्च है जो कि 2014 के अंदर करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि आपकी बॉडी से जो आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जो है वो आपका फैट है जो कि कन्वर्ट होता है, समझ गए, और आपके लंग्स के थ्रू है जो कि वो लीव होता है। यस डेफिनेटली पसीना जब आता है जितना ज्यादा उससे भी आपकी बॉडी का फैट रिलीज होता है, नो डाउट, लेकिन मेजर पोर्शन उसका नहीं है, समझ गए? अब इसके बाद से एक और डिबेट यहां पे छिड़ जाती है कि क्या सर एसी में जिम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर नॉन एसी में करनी चाहिए? फिर तो अगर पसीने का कोई रोल ही नहीं है तो एसी में जिम कर लो, नॉन एसी में करने की क्या जरूरत है? ये भी बात आपकी सही है एकदम। तो देखो बात ऐसी है कि पसीना जब आपकी बॉडी में से आता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसके और भी कई सारे एडवांटेज होते हैं। आपकी बॉडी में से टॉक्सिक एलिमेंट निकलते हैं, आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश होती है, आपकी बॉडी में से जो डस्ट है, जो डर्ट है वो निकलती है। ये सारे एडवांटेज है जो कि आपके पसीने निकलने के होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, समझ गए? जब आप एसी के अंदर एक्सरसाइज करते हो तो पसीना नहीं आता है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ भी ग्रो नहीं हो पाती क्योंकि आपकी बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, समझ गए मेरी बात? तो एसी में करने के ज्यादा फायदे नहीं होते हैं, ऑनेस्टली बात करें, एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जिम के अंदर हर कोई पसीने बाहर आए, जहां देखो वहां पसीने पसीने हैं, तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपको एसी वाली कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वहां पे इन्फेक्शन होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होती है तो जिम के अंदर हर कोई जो है वो पूरा का पूरा बहा हुआ होता है पसीने से। तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा अवॉइड करो, बाकी नॉर्मली आपके नॉन एसी वाले जिम बेहतर होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा वहां पे आप एक्सरसाइज कर करते हो, आपकी यूटिलिटी ज्यादा होती है, समझ गए? तो आपके जो फैट रिलीज होता है वो आपकी ब्रेथिंग से होता है, ना कि आपके फैट से पसीने से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस? अक्सर ये सवाल जो है वो 500 बार लोग मुझसे पूछते हैं, सर एसी में करें, नॉन एसी में करें? अरे भाई जहां पे कंफर्टेबल है वो कर लो, लेकिन ज्यादा बेटर है अगर आप मॉडरेट टेम्परेचर रखोगे, है ना, तो ज्यादा बेहतर होता है। पंखा चला लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कई लोग हैं जो कि पॉजिटिव वाइब्स को पॉजिटिव वाइब समझते हैं। देखो वाइफ तो पॉजिटिव मिल जाए तो या तो आपके जीवन की बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन वाइब्स जो है वो पॉजिटिव मिले या ना मिले, ये हमेशा जीवन में होना चाहिए, समझ गए मेरी बात? तो पॉजिटिव माइंड रखो, वाइब्स रखो, और लाइफ तो हो ही जाएगी, ठीक है गाइस? साथ में नया बैच आने वाला है, अगर आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, तो नया बैच आ रहा है 1 जून से, सभी दोस्तों को बता देना। अल्टीमेट जीके का सेशन होगा, मजा आ जाएगा, लाइफ में ऐसी जीके नहीं पढ़ी होगी कभी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन बैच है, आपको मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएगी 450 रुपए पर मंथ में। पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। SSC प्लस आपको लेना पड़ेगा, अनअकैडमी प्लस पे BHU10 यूज करके, समझ गए? तो बहुत ही अल्टीमेट क्लासेस है, जिन लोगों ने पहली बार पहले ज्वाइन किया था उनके एक बार रिव्यू ले लीजिएगा कमेंट के अंदर कि पिछली बार जो है आपको कैसा लगा जब आपने प्लस को ज्वाइन किया था, ये फाउंडेशन बैच को, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा मजा आया था कि नहीं आया था पढ़ने में। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है कभी जीके मेरे से, एक बार पढ़िएगा, ठीक है? लाइफ में इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है ना, इस जीके से। चलिए कुछ भी अगर प्लस लेना है किसी भी एग्जाम के लिए, IIT, UPSC, नीट, तो भुनेश 10 या BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं, 10% ऑफ मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ का आपको फ्री मिल जाएगा SSC का। सारे टॉप एजुकेटर की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। लेना कैसे है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे गोल सिलेक्ट करना है, SSC, IIT है आपका, नीट है, UPSC है, गेट है, जो भी आपका गोल है मतलब, उसके बाद में प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, फिर 12 महीने या 24 महीने में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो BHU10 या भुनेश 10 लगा दीजिएगा। EMI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन है? CBI के डायरेक्टर आपको बताना है। संजीवनी परियोजना कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई है? कौन सा कंट्री 3rd नंबर के ऊपर है ब्राजील US के बाद में 3 लाख कोविड डेथ को लेकर? किसने दोस्तों, कौन सा एनिमल है जो कि वापस से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में, जब वो 1952 में भारत से एक्सटेंट है जो कि हो गया था? टर्टल डे दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।